ये देखो यार, मेरा कजिन है ना अहमद, वहां रहता है कनाडा में। देखो कितनी बर्फबारी हो रही है, पिक्चर्स भेज रहा है मुझे। देखो स्नोमैन बना रहे हैं, स्नोबॉल फाइट कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है उनको। और यहाँ देखो धूप निकली हुई है, सर्दी आती ही नहीं यहाँ पे। हाँ यार, मैंने भी विंटर शॉपिंग करके रखी हुई थी, सोचा था पता नहीं सर्दियाँ आएंगी तो जैकेट्स पहनूंगी मैं, सब जाया हो गया गाइस। यार समी तू क्या पहना हुआ है, क्या हो गया तुम्हें, रशिया से आ रहा है क्या? अरे कराची में बर्फबारी हो रही है। कौन सी स्नोफॉल, बाहर धूप हो रही है, अगले 3 दिन तक धूप। ये देखो फोरकास्ट देखो, धूप 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 धूप, 11 बजे धूप, 12 बजे धूप, 1 बजे धूप, 2 बजे धूप, धूप धूप धूप। कौन सी स्नोफॉल? अरे पीस म्यूजियम में विंटरलैंड खुला है। विंटरलैंड? अरे विंटरलैंड इट्स अ स्नो पार्क, वहां पे राइड्स है, गेम्स है, स्नो बाहर है और स्कल्पचर्स है, उनके साथ तस्वीरें भी ले सकते हैं। नहीं यार तुम्हें पता है वहाँ लाइन लगी हुई होगी इतनी लंबी और फिर लाइन में वेट करना पड़ेगा। नहीं यार। अरे लाइन नहीं होगी, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और कॉल करके भी। ऑनलाइन? विंटरलैंड यार नाइस, बिल्डिंग तो अच्छी बनी हुई। हाँ बिल्डिंग तो बहुत आला है। वो देख स्नोमैन भी खड़ा हुआ। पार्किंग ही पार्किंग है जबरदस्त। ये सारी पार्किंग इन्हीं की है। अच्छी जगह मिल गई, बहुत आला यार। पहले मुझे लगा हमें कहीं दूर पार्क करना पड़ेगा और हमें पैदल आना पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल सामने लगाते हैं। पार्किंग स्पेस अच्छा है यहाँ। चलो आ जाओ, लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। हाँ भाई मुझे 1 2 3 4 टिकट देना। जैसी हाँ। टिकट क्यों बदल रहा भाई? अबे हम लोगों ने जो ना ऑन कॉल टिकट ले लिए थे, अगर आप ये ऑनलाइन या ऑन कॉल टिकट लेना चाहते तो जाके ले सकते हैं वेबसाइट से, वरना आपके पास टिकट काउंटर मौजूद है, यहाँ पे आए और टिकट ले लें। थैंक यू, हो गए हमारे टिकट। अब हम आए हैं जैकेट एरिया में, यहाँ से हमें जैकेट और ग्लव्स मिलेंगे। यहाँ पे लाइन बना के आप खड़े होते हैं, अपने सेशन का वेट करते हैं। और यहाँ तकरीबन हर साइज़ की जैकेट्स हैं, मैंने 6S मैंने देखी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बहुत सारे बड़े लोगों के लिए। तो हमारे ग्लव्स आ गए, ये ग्लव्स आ गए हैं, ये ब्लैक वाले, ये हमारे ग्लव्स हैं और मैंने ब्लू वाले ले लिए हैं। थैंक यू। और जैकेट्स ये है 6XL भाई, ये मैं मुझे सिंगल को 6XL आ रही है। हाँ आ गई, ये सामी को आ जाएगी 4 ऑलमोस्ट आपके लिए 4XL। थैंक यू। सो मैं जैकेट पहन चुका हूँ। वाओ, ये नहीं खुला यार मूवी, तूने कनाडा की शर्ट इसलिए पहनी ताकि तुम लगे तुम बाकी कनाडा में हो अंदर जाके। कनाडा कनाडा कनाडा। अब मैं जैकेट पहन रहा हूँ, साइज ओके, बेस्ट है, परफेक्ट है। अब मैं ये घर ले जाऊंगा। घर ही ले जा सकते हैं, वापस करनी है। हाँ वापस करनी है। तो हमने जैकेट पहन ली है और मुझे बहुत ठंड लगती है तो मैं सर कवर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ भी जैकेट पे बताइए। अच्छा गाइस, तो वी आर फाइनली इनसाइड विंटरलैंड और वाकई में ठंड हो रही है, इट्स -10। हम सब ने ग्लव्स पहने हैं, मैंने नहीं पहने हुए, इन्होंने पहने हुए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि -10 है तो इन्होंने लिखा हुआ है फॉर प्रूफ कि -10 है। गाइस वैसे तो मैंने पाकिस्तान में कभी इग्लूज नहीं देखे, लेकिन यहाँ पे है। ICS के कैरेक्टर्स इन्होंने बनाए, लुक्स अमेजिंग, और द मोस्ट लवेबल कैरेक्टर्स ऑफ ICS। आई थिंक ये बाद में शायद नाम लगा देंगे इसके, क्योंकि सबको याद नहीं होते, बच्चों को याद होंगे आई एम श्योर, बट लुक इट हाउ नाइस दे आर, डोंट टच इट सॉरी बट लुक्स नाइस। Lovely polar bears. मैं जा रहा हूँ ये स्लाइड लेने, फॉलो मी। वैसे तो यहाँ पे इनके वर्कर्स होंगे,
जो बच्चों को हेल्प करेंगे ये करने में, बट अभी हम लोग आए हैं एक्सक्लूसिवली हमारे लिए खुला हुआ है, तो इसलिए मैं खुद कर रहा हूँ। हम तो जा रहे हैं। मैं और रिजा भी रेस लगाने वाले हैं स्लाइड पे टू रीच द बॉटम फर्स्ट, देखते हैं कौन जीतता है। चलो ऑब्वियसली ये जीतेगा क्योंकि इसका ज्यादा वजन है। ये क्या मजा आ गया। 3 चलो 2 इधर जाओ, गो गो। इट लुक्स स्केरी बट आई वांट टू ट्राई इट। गो गो गो, इट्स योर टर्न। ओके कैसा था? It was fun. पाकिस्तान में सबसे मशहूर टी कौन सी है? दूध पत्ती नहीं, सेलिब्रिटी। क्योंकि वो मशहूर है, सेलिब्रिटी है। कितने ठंडे जोक मार रहे हैं। क्या करूं, इतनी ठंडी जगह में रहता हूं मैं। चलो अल्लाह हाफिज। Yeah.
the Winterland experience was amazing. It was everything you can ask for on the rides, ice, snow, everything. And हमें तो बहुत मजा आया. I hope that we hope that आपकी families को भी बहुत मजा आया जब आप अपनी families को लेके आए. और कराची में इस तरह का जो ना experience बहुत कम मिलता है, तो ये enjoy करें आपको वहाँ पे. और वैसे तो ये लोग gloves और jacket provide करते हैं, लेकिन अगर आप लोग टोपी और leg warmers pack करके ले आए तो क्या ही बात है. और हाँ, कराची में ठंड नहीं होती थी. बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, तो चलो लेट्स एंजॉय.